सब कुछ भूल जाए, काफी बातों में हम उलझे हुए हो सकते हैं, काफी बातों को लिए हुए यहाँ पर आए हुए हो सकते हैं। सब कुछ हम ये समय बाजू पर रख दे और जिंदा खुदा की ओर हम देखे। आपके प्रश्न कई सारे हो सकते हैं, आप कोई चिंताओं को लेकर यहां पर बैठे हो सकते हो, हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी हो, हो सकता है आपके परिवार की सिचुएशन आपको डिस्टर्ब कर रही हो, हो सकता है भविष्य की कोई चिंताओं को लेकर आप डिस्टर्ब हो। ये समय है सब कुछ बाजू पर रखने का और जिंदा खुदा को देखने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जिंदा खुदा को देखते हैं उनके मुंह कभी काले मतलब लज्जित नहीं होंगे, वे तेजोमय होंगे, वे प्रकाशित होंगे, उनको लज्जित नहीं होना पड़ेगा जो जिंदा खुदा की ओर देखते हैं। जिंदा खुदा की ओर देखना मतलब उनको अपना आधार मान लेना, कह देना उससे कि प्रभु तू मेरा सब कुछ है, इस सब परिस्थिति में मैं तेरी ओर देखता हूँ, मतलब इस सब परिस्थिति में प्रभु तू मेरा सब कुछ है, मेरा आधार तू है, मुझे बाहर लाने वाला तू है प्रभु, मेरा छुड़ाने वाला तू है। जब आप प्रभु से कहते हो प्रभु आपके अलावा मेरा कोई आधार नहीं है, जब आप उसके ऊपर अपनी श्रद्धा रखते हो, जब आप उसके ऊपर अपना विश्वास रखते हो, वो आपके भरोसे को प्यारों कभी नहीं तोड़ेगा। आपके छोटे से विश्वास से मांगे हुए हर एक काम वो अद्भुत रीति से सफल करेगा, छोटे से विश्वास से मांगी हुई बातों के द्वारा आप बड़े बड़े कामों को देखोगे प्यारो। छोटे से विश्वास से अन्य ने कह दिया कि प्रभु मुझे आंखें दे, यीशु ने उसको आंखें दे दी प्यारो। छोटे से विश्वास से कोड़ी ने कह दिया प्रभु यीशु मैं शुद्ध होना चाहता हूं, यीशु ने उसे छू लिया जिसे कोई छूता नहीं था, जिससे सब दूर भागते थे, यीशु ने उसे छू कर चंगा कर दिया। वही प्रभु यीशु आज आपके बीच है। जब आप उसके ऊपर भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, कहोगे यीशु मैं इन सब परिस्थिति में आपके ऊपर भरोसा बनाए हुए हूं, मैं आपकी ओर देखता हूं, वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे प्यारों, आप खाली हाथ नहीं जाने वाले हो, वो आपकी ओर जरूर देखेगा। जो कोई उसकी ओर देखता है, जो कोई उसको पुकारता है, वो उसे रोक देता है। जिसने भी यीशु को पुकारा, प्रभु यीशु रुक गए थे, वे आगे नहीं चले गए, उन्होंने उस पुकार को नजरअंदाज नहीं किया। हर दुखी के पुकार को वे रुक गए, सुना और उनका दुख दूर करके उनके जीवन में बड़ी खुशियों को वो ले आए। वो प्यारो आपके पुकार को नजरअंदाज नहीं करेंगे, वे आपके दुख को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो प्रेम से भरे हुए खुदा है, वो दयालु परमेश्वर है। आप अपना दुख चिंता सब कुछ बाजू पर रखकर सिर्फ आप उसकी ओर देखें प्यारो, वो आपके लिए ठहर जाएगा, वो आपके लिए रुक जाएगा, आज आपकी ओर देखेगा और आपको सेम नहीं जाने देगा। सिर्फ आपको करना है उसकी ओर देखना है। अपने प्रश्नों में उलझे रहने से अच्छा है उस प्रश्नों से निकालने वाले यीशु की ओर देखें। कहे यीशु तू अनुग्रह कर मुझ पर, मेरे प्रश्नों से मेरा ध्यान उठाकर मैं आपकी ओर देखना चाहता हूँ, मेरे प्रश्नों में उलझा रहकर मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आपकी ओर देखकर अद्भुत आशीषों को पाकर मैं जाना चाहता हूँ यीशु मसीह। आज अनुग्रह दीजिए मैं आपकी ओर देख पाऊं,
ओ प्रभु, कोई भी मेरे प्रश्न, मेरी तकलीफ, मेरी समस्या, मेरी चिंताएं मुझे आपकी ओर देखने से रोके नहीं। मैं आपको देखूं, आपको सुनूं, आपसे बात करूं, और आज मैं अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाओ, अद्भुत छुटकारे को यहाँ से लेकर जाओ। खाली हाथ ना जाओ। आज का दिन मेरे लिए आशीष का दिन बन जाए, आज का दिन मेरे लिए छुटकारे का दिन बन जाए, आज का दिन मेरे लिए चंगाई का दिन बन जाए, आज का दिन मेरे लिए नए द्वार खोलने का दिन बन जाए, आज का दिन बड़े बड़े कामों को देखने का दिन बन जाए। ओ यीशुआ, 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 हम आपकी ओर देखना चाहते हैं यीशु। आज हमारे प्रश्नों से हम ध्यान को उठाते हैं, हमारी तकलीफों से हम ध्यान को उठाते हैं, और सबसे ध्यान को उठाकर आपकी ओर देखते हैं यीशु, क्योंकि आपकी ओर देखने वाला लज्जित नहीं होगा। अनुग्रह दीजिए कि कोई भी बात हमें आपकी ओर देखने से, आपसे मिलने से, आपकी बातों को सुनने से रोक न पाए प्रभु। ओ यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन टूटे, जो यीशु से आज हम मिल पाए, बात उनकी बातों को सुन पाए, उनको देख पाए, और वे हमारे जीवन में काम करें, उसके बीच आने वाली हर एक रुकावटों को, बंधनों को, शैतान के कामों को हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से फ्रीडम, 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 स्वतंत्रता को घोषित करते हैं, हर एक के लिए स्वतंत्रता को घोषित करते हैं, किसी को कोई बात बांधे न रखे। और आज हम यीशु को मिले यहाँ पर, क्योंकि उनका वचन कहता है जहाँ दो या तीन उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ प्रभु यीशु निश्चय मौजूद होते हैं। यीशु हमारे बीच मौजूद है, और आज उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में हम आनंद करने पाए। आप प्रभु आपकी प्रेजेंस में, उपस्थिति में जो छुटकारा है वो पाकर जाए, आपकी उपस्थिति में जो आनंद है वो हम लुट पाए। जहां आत्मा है वहां छुटकारा है, स्वतंत्रता है, आपकी उपस्थिति में जो स्वतंत्रता है वो हम पा पाए। प्रभु यीशु के नाम से अनुग्रह पर होने दीजिए प्यारे खुदा। हमारी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से है, आप कबूल करिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मिलकर कहे आमेन, आमेन, हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, प्रभु की आराधना करते हुए गाना मिलकर गाना चाहते हैं। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे, हाथों को उठा प्रभु से कहे, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। फिर से एक बार हाथों को उठाए, आंखों को बंद करके कहे, तू जो कहे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। हालेलुया। आए दुआ के रूप में गाना गाए।
की राहों में आपके साथ यीशु है या नहीं वो मायने रखता है। आंखों को उठाए और कहे, यीशु मेरी हर राह में आप मेरे साथ रहना, मेरे हर मार्ग में आप मेरे साथ रहना। यीशु मुझे आपकी जरूरत है, कोई भी ऐसी राह में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जहां यीशु आप मेरे साथ न हो। कोई ऐसी जगह में नहीं जाऊंगा जहां यीशु आप मेरे साथ न हो। यीशु आप मेरे साथ रहो, वो जरूरी है हर राह में, हर मार्ग में, हर समय में। मैं मिलकर प्यारो, इससे बड़ी सुरक्षा की क्या गारंटी हो सकती है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, वो आपके साथ हो। हालेलुया, कोई आपको छू नहीं सकता जब जिंदा खुदा आपके साथ होता है। हालेलुया, पूरी फिरौन की सेना, उसके अच्छे अच्छे रथ और सवार
चुनिंदे उसके सेनापति, प्रभु के लोग, प्रभु की सेना जिसने कभी युद्ध नहीं सीखा उनके आगे हार गए। हालेलुया, आपके आगे कोई नहीं टिक सकता जब खुदा आपके साथ है। आपका शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सामर्थ्य क्यों ना हो, उसके पास युक्तियां क्यों ना हो, उसके पास हथियार क्यों ना हो, जब जिंदा खुदा आपके साथ है कोई आपको छू नहीं सकता। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। और वो खुदा हर एक वायदो को पूरा करने वाला खुदा है। आमेन, हालेलुया। वो एक भी वायदा भूलता नहीं प्यारो, वो जो भी कहता है वो करते हैं। मनुष्य आज कुछ कहते हैं, कल को वो भूल जाएंगे, लेकिन जिंदा खुदा भूलने वाला खुदा नहीं है। वो सालों पहले भी किए हुए वायदों को पूरा करता है सालों के बाद। हालेलुया, इब्राहिम को प्रभु ने वचन दिया, मैं तुझे संतान दूंगा, और सालों बीत गए, नहीं था संतान। प्रभु बार बार उसे याद दिलाता रहा। एक समय ऐसा आया, इब्राहिम प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो चुका, अब तो मेरा जो चेला है, मेरा सेवक है, वो मेरे घर का अधिपति हो जाएगा, मेरा सब कुछ वो ले जाएगा, क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है। प्रभु कहता है, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू फिक्र मत कर। ऐसे पड़ाव पर तू आ गया, तुझे लगता है अब कुछ नहीं होगा, अभी तो मेरी बहुत बड़ी योजना तेरे जीवन में पूरी करने में जा रहा हूँ, वो बाकी है और तू वो देखेगा। हालेलुया, क्योंकि मैं वायदा दे चुका हूँ कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे संतान समुद्र के बालू के समान होंगे, मतलब होंगे। तू बूढ़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। सिचुएशन क्या बोल रही है वो मायने नहीं रखती है, प्रभु ने क्या बोला है वो मायने रखता है। हालेलुया, हाथों को उठाए और कहे, मेरी परिस्थिति, मेरी सिचुएशन, वो क्या कहती है वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु ने मुझे क्या वचन दिया है वो मायने रखता है, वो महत्वपूर्ण है। मैं प्रभु के वचन पर खड़ा रहूंगा, मैं उसके वचन को स्मरण रखूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु उसके हर वचन को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए, वायदों को पूरा करने वाला खुदा।
यीशु मेरा जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, ओ यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। जब प्रभु के चेले यीशु जिंदा हो चुके थे और प्रभु ने उनसे कह दिया था, मैं आपके आगे गलील में जाऊंगा और आपको गलील में मिलूंगा, लेकिन पता है प्रभु यीशु के चेले उनको कहाँ ढूंढ रहे थे? प्रभु यीशु के चेले उनको कब्र में ढूंढ रहे थे। और जब कब्र में वे ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु ने वहां उनको दर्शन दिया और कहा, मैंने आपको बताया था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मृत्यु मुझे बांध नहीं सकती, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैंने बता दिया था और मैं मेरे वचन के अनुसार जी उठा हूं। वो रो रहे थे, ओ कोई मेरे गुरु के सब को उठा गया, वो बोल रहे थे कि मेरे गुरु के सब को कोई ले गया, कहां गए होंगे, क्या हुआ होगा। प्रभु ने उनको याद दिलाया, मुझे कब्र में मत ढूंढो, मैं मेरे वचन के अनुसार जी उठाओ। आपका खुदा कब्र में नहीं है कि आपके लिए कुछ कर न पाए, मुर्दा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु जिंदा खुदा है। वो जिंदा है इसलिए हम जी सकते हैं, वो जिंदा है इसलिए हम कल का सामना कर सकते हैं, वो जिंदा है इसलिए हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है, हमारी मदद कर सकता है। हालेलुया। वो लोग निराश होते, आंसू बहाते, जो ये मानते कि यीशु उनके साथ नहीं, वो अभी भी कब्र में है। उसकी कब्र यरूशलेम में आज भी है और वो कब्र खाली है। लोग देखने जाते लेकिन खाली कब्र को, यीशु मसीह वहां लिखा ही इज रिजन, वो जिंदा हो चुके हैं, वो जिंदा खुदा है। प्यारो, आपको रोने धोने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मददगार हाजिर है, यीशु जिंदा है, जिसे मृत्यु भी बंधन में रख नहीं पाई, ऐसा सामर्थ्य खुदा आपके साथ है, वो आपको कोई भी बंधन से छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। फिर से प्रभु को महिमा देते हुए गाए, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, वो कहकर न पीछे हटने वाला, वायदे को पूरा करने वाला कर न पीछे हटेगा। प्यारो, वो जिंदा खुदा है, उसकी रहमत के गांव सारे गे, उसने मृत्यु पर पाई है जीत, उसके रहमत के गांव सारे गे, उसने मृत्यु पर पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा, सब मिलकर 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 सभी माने, जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, उसके कर्म से बने हैं जमी आसमान, उसके फसल से ही जिंदा है हम सब यहाँ, जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा है। प्यारो, उसके कर्म से बने हैं जमीन आसमान, उसके कर्म से, उसके फसल से ही जिंदा है हम सब यहाँ, तो उसकी कुदरत के गांव सारे गे, उसने मृत्यु पर पाई, उसकी कुदरत के गांव सारे गे, मृत्यु पर पाई है जे, यीशु मेरा जिंदा खुदा, डिक्लेयर करे, यीशु आपका खुदा जिंदा खुदा है, ओ हालेलुया, जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, उसके जलाल और शोहरत का करते बयान, शौहरत के गांव सारे गे, उसने मृत्यु पर पाई, उसकी शौहरत में, उसकी शौहरत
मेरा जिंदा खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा रह। से बने है जमी आसमान, उसके फजल से अब जिंदा है प्यारो। अरे यीशु, तेरी दया से मैं जिंदा हूँ, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ। उसके कर्म से बने है जमी आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा कर उससे महिमा दे। हे यीशु, आप मुर्दा नहीं हो, आप कब्र में नहीं हो, आप जिंदा खुदा हो। हालेलुया, 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 उठा उठा उसके नाम को प्यारो। अपने आप को याद दिलाए कि तेरा खुदा जिंदा खुदा है। अपने आप को याद दिलाए कि तेरा खुदा कब्र में मुर्दा हो ऐसा नहीं, लेकिन जिंदा खुदा है, और वो अपनी हर एक प्रॉमिस पर खड़ा रहेगा। वो कभी भी अपने वायदों को नहीं भूलता प्यारो, वो कभी अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता। उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी चले जाना आसान है, लेकिन उसके वचन से एक मात्रा भी जा नहीं सकती प्यारो। वो एक एक वचन को पक्का 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 पूरा कर कर ही रहेगा प्यारो। वो वायदों का पक्का खुदा है, वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको धोखा कभी नहीं दे सकता, वो कहकर मुकर नहीं सकता प्यारो, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कल के विषय में आप फिक्र मत करें, बस आप उसमें बने रहे और उसकी महिमा को देखें। सिर्फ आपको उसमें बना रहना है प्यारो। वो आपके लिए इतने बड़े काम कर सकता है, शायद आप जानते भी नहीं हो। शैतान जरूर जानता है, इसलिए वो डाउट लाएगा, इसलिए वो आपकी सिचुएशन बताएगा। वो ना है ऐसी बातें आपके आगे रखकर गलत चित्र खड़ा करेगा, आपको धोखे में डालकर अविश्वास की ओर ले जाए, डाउट करवाए कि यीशु की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। जैसे अब्राहम ने कह दिया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरा चाकर मेरे घर का कारोबार ले लेगा। उसको सिचुएशन दिखाकर शैतान निराश करने लगा। आपको जब शैतान निराश करे, आपको उससे कहना है मेरा प्रभु वायदों का पक्का खुदा है। वो कहकर कभी नहीं उससे मुड़ जाएगा, नहीं मुकर जाएगा, वो अपने हर वायदों पर खड़ा रहेगा। चाहे सिचुएशन जो भी हो,
वो कभी भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करे बगैर नहीं रहेगा। इब्राहिम की सिचुएशन एकदम लास्ट स्टेज की हो गई थी जिसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी यीशु ने बहुत कुछ कर कर दिखाया। जहां आपका सोच का एंड आ जाए, आपको लगे इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, अब डेड एंड आ गया है, उससे आगे प्रभु बहुत कुछ कर सकता है। वहां से तो प्रभु के काम की शुरुआत होगी। आप प्रभु की ऐसी महिमा को देखोगे जो आपने सोचा भी ना हो, जो आपकी सोच से परे हो, जहां आपकी सोच का डेड एंड आ गया, जब आपको लगा यहां से आगे कुछ नहीं हो सकता, वहीं से आगे यीशु आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। वो वायदों का पक्का खुदा है, वो जिंदा खुदा है प्यारो, बस आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। भरोसे में डिगना नहीं है, टिके रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है। उठाए और कहे, प्रभु मैं आपकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं आपकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर, वचन के ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा कि मेरी सोच से परे आप करने वाले खुदा हो। हालेलुया, हालेलुया। एक और गाना दुआ के रूप में हम गाना चाहते हैं प्यारो, प्रभु से कहना चाहते हैं, प्रभु मुझे आप अपने करीब रहने का अनुग्रह दीजिए। आपकी सुरक्षा प्यारो परमेश्वर के करीब रहने में। हालेलुया। प्रभु ने अपने लोगों से कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, वैसे मैं चाहता था कि आपको मैं छिपा लूं। आपको प्रभु की छत्र छाया में रहना है, उसकी छाया में, उसके पंखों तले, उसके हाथों तले में, और आप सुरक्षित हैं। अगर उससे बाहर निकल गए, हमारे लिए खतरा है प्यारो। आए हाथों को उठाए और कहे, प्रभु तेरी छाया में मैं हमेशा रहूं, तेरे करीब रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। आप में से किसी को भी लगता है अभी भी कहीं पर आप प्रभु से दूर हो, कहीं पर कुछ ऐसा कर रहे हो जो प्रभु को पसंद नहीं, या तो आप चाहते हो जहां हो उससे और प्रभु के करीब जाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। सब कुछ भूल जाए और दिल से प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आपके करीब खींच लीजिए यीशु, मुझे आपके करीब, दुनिया से, संसार से, पापों से, और ऐसी हर एक बातों से जो मुझे आपसे दूर ले जाती है, मुझे आपके करीब खींच लीजिए। बच्चों आप कहिए, यीशु आप मुझे आपके करीब खींच लो। यूथ आप प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मैं जवानी के पापों में दुनिया में खींच कर दुनिया में चला जाना नहीं चाहता, यीशु आप मुझे आपके करीब खींच लो। बड़े आप बुजुर्ग और जितने भी एल्डर से बड़ी ले, आप कहिए यीशु से, प्रभु हमारे लिए जरूरी है कि हम आप में बने रहे, ताकि हम हमारे परिवार के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरे। कहिए यीशु से, यीशु हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, मैं आपके करीब रहना है, आपके नजदीक रहना है। कहिए यीशु से, खींच ले अपने करीब, मैं होना चाहूं तुझसे रूबरू, आने दे अपने करीब, तुझे महिमा मैं देखना चाहता हूं, खींच ले। क्या संसार आपको खींच रहा है प्यारो? कोई पाप आपको खींच रहा है? बार बार आप निष्फल जाते हो, संडे आते हो, फिर मंडे से वापस धीरे 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 प्रभु से दूर हो जाते हो, अपने कामों में संसार में उलझ जाते हो, दुआ करना रह जाता है, बाइबल पढ़ना रह जाता है, प्रभु का कहा करना रह जाता है। कहिए यीशु से,
प्रभु आज ये अनुग्रह मुझ पर होने दो, मैं आपसे दूर न जाऊं, मैं आपके करीब रहूं, आपके नजदीक रहूं। खींच ले अपने करीब, मैं होना चाहूं तुझसे रूबरू। आने दे अपने करीब, तुझे महिमा मैं देखना चाहता हूँ। तेरा ही है इंतजार, तेरे लिए जीवन निसार। सांसे मेरी चाहे तुझे, मेरे दिल में आजा है यीशु। खींच ले अपने करीब, कहिए प्रभु से यीशु, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, तू मुझे छिपा ले आज। तेरी पंखों की छाया में, तेरी हाथों की छाया में तू मुझे ले ले, समेट ले। तुझे महिमा से बाहर में न जाओ यीशु, से बाहर में न जाओ। वो उड़ाओ पुत्र ने गलती करी प्यारो, वो पंखों की छाया पिता की जो थी उससे बाहर गया, और अच्छे खानदान का जिसके पास नौकर चाकर सब कुछ था, अच्छा खाना पीना मिलता था, एक दिन ऐसा आया सुवर जो सिंह खाते थे, खाना खाते थे, वो उड़ा पुत्र को खाना पड़ा, क्योंकि वो पिता की छाया से करीबी से दूर गया। कहिए प्रभु से, प्रभु मैं उड़ा पुत्र के समान न बनूं, जो इस संसार पर प्रेम रखता हुआ पिता को छोड़कर पिता के प्रेम को ठुकरा कर दूर हो जाए, और फिर वो ही संसार जो उसे पाता हो वो उस उड़ा पुत्र के लिए नरक जैसा बन जाए। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं पिता के प्रेम को कभी ना ठुकराऊ। हाथों को उठाए हो कहिए यीशु, यीशु पापा मैं आपके प्रेम को कभी ना ठुकराऊ, से ठुकरा कर कभी दूर न जाओ। आए दुआ के रूप में गाना गाए, खींच ले अपने करीब, मैं होना चाहूं तुझसे रूबरू। आने दे अपने मैं देखना चाहता हूँ। खींच ले अपने करीब, आप चाहे अभी तक फेल गए हो, प्रभु से है पवित्र आत्मा, आप मुझे खींच लो, आप अपनी सामर्थ से मुझे उन पापों से संसार से खींच कर अपने करीब ले आओ। मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ, मैं दूर नहीं जाना चाहता, चाहता हूँ। तेरा ही है इंतजार, तेरे लिए जीवन निसार, दिल में मेरे तू ही बसा, तुझ में ही है मेरी।
तेरी और ये यीशु तेरी और बढ़ जाए
भूख बताए, अपनी प्यास बताए। प्रभु मैं निशाने की ओर बढ़ना चाहता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा जाऊँ, जिससे मसीह को मैं प्राप्त करूँ, जिससे मसीह को। आए ऊंची आवाज में मिलकर गाए, बढ़ना है मुझे यीशु तेरी ओर, बढ़ना है मुझे तेरी ओर, उठाए अनुग्रह को ग्रहण करे, कहे अनुग्रह अनुग्रह ऐसा, मांगे 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 प्रभु से, कहे प्रभु अनुग्रह 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 अनुग्रह, आज तेरा अनुग्रह मुझ पर उतर आए, आपके करीब बने रहने का अनुग्रह, आप में जीने का अनुग्रह, आपकी आधीनता में रहने का अनुग्रह, बाइबल पढ़ने का अनुग्रह, दुआ करने का अनुग्रह, आपकी आज्ञाकारिता में जीने का अनुग्रह, पवित्रता में जीने का अनुग्रह, निशाने की ओर दौड़ते रहने का। उसके पीछे खींचा न जाए, कोई आत्मा आज आपको मैं अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचे, पापों को कूड़ा समझकर फेंक देने की सामर्थ्य, उतरे उतरे उतरे, ओ रिपेने मेरे मेसेरी ओ करनो, रिसीव करे रिसीव करे, आपको वो अपनी सामर्थ्य दे रहा है प्यारो, उस निशान की ओर बढ़ने के लिए जो उसने आपके लिए रखा है, उन बातों की ओर बढ़ने के लिए जो उसने आपके लिए रखी है, संसार से दूर भागने के लिए वो आपका अनुग्रह दे रहा है प्यार, तो उठाए और कहे मैं आपका अनुग्रह रिसीव करता हूँ प्रभु, मैं आपका अनुग्रह रिसीव करता हूँ ताकि मैं आप में बढ़ू, ये 2023 यीशु में बढ़ने का साल बन जाए हम सबके लिए, उन बातों को
जिनको हमने आज तक महत्व दिया है, लेकिन वो संसार की बात है, कहे आज से मैं उसे कूड़ा समझूंगा, मैं उसे कूड़ा समझकर फेंक दूंगा। अरे आपका निर्णय है, प्रभु आपको बल देंगे। अगर आप कहते हो कि व्यसन को मैं कूड़ा समझ कर फेंक दूंगा, व्यभिचार को मैं कूड़ा समझ पर फेंक दूंगा, उन ऐसे एप्स को मैं कूड़ा समझ कर फेंक दूंगा, गलत फ्रेंड्स को मैं कूड़ा समझ कर फेंक दूंगा, ओ प्रभु आपको ग्रेस देंगे, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे, प्रभु आपको बल देंगे। अगर आप उठना चाहते हो तो प्रभु आपको उठाने के लिए तैयार है। अगर आप प्रभु के करीब आना चाहते हो तो आपको प्रभु अपने करीब खींचने के लिए तैयार है, वो तैयार है। आप अपनी तैयारी दिखाए, कहिए यीशु मैं तैयार हूँ, आप में बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। 2023 हमारे लिए प्रभु में बढ़ने का साल है प्यारो, और ऊंचाइयों को हासिल करने का और उसको खुश करने का साल है। 2023 में यीशु हमसे प्रसन्न हो, शैतान नहीं, शैतान नहीं, यीशु हमसे प्रसन्न हो। प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ आपकी सामर्थ, आपके बल को, आपके अनुग्रह को, हमें बढ़ने के लिए, हमें चलने के लिए, हमें बने रहने के लिए। मैं उड़ाव पुत्र उड़ाव पुत्री नहीं बनूंगा, मैं आपका बेटा बनकर जीऊंगा 2023 में, मैं आपकी बेटी बनकर जीऊंगी 2023 में, मैं आप में बढ़ूंगी, संसार में नहीं, पापों में नहीं। ओ हालेलुया, अनुग्रह ऐसा होने दे, जो पाते मेरे लाभ की है, यीशु के कारण उसे हानि समझू, जो पाते मेरे लाभ की है, यीशु के कारण उसे हानि समझो, कूड़ा समझ कर उसे त्याग दो। हाँ प्रभु, मेरे लिए संसार कूड़ा है, मेरे लिए पाप कूड़े समान है, उन हर चीज जो आपसे दूर रहती है मैं कूड़ा समझता हूँ उससे। जो तुझे पसंद नहीं है उसे त्याग दो, जिससे यीशु को मैं प्राप्त करूं, जिससे यीशु को मैं प्राप्त करूं। अगर यीशु की ओर बढ़ना है तो कुछ आपको त्यागना पड़ेगा प्यारों। आप दूध और दही दोनों में नहीं रह सकते, आपको एक दिशा पसंद करनी पड़ेगी। एक ही निशान हो सकता है, दो निशान नहीं हो सकते। आप दो सेठ की सेवा चाकरी नहीं कर सकते, एक ही आपका सेठ, एक ही आपका प्रभु हो सकता है। अगर संसार को प्रभु बनाते हो तो परमेश्वर जिंदा खुदा को आप प्रभु के नाई नकारते हो, प्रभु के समान उनको सम्मान नहीं देते हो। आज से कहिए प्रभु मैं एक ही दिशा में बढ़ूंगा तेरी ओर। अगर आप प्रभु को हाथ देते हो तो आप फिर संसार को हाथ नहीं दे सकते हो। प्रभु से कहिए प्रभु मैं अपना हाथ तेरे हाथों में 2023 में दे देता हूं, मैं संसार को अपना हाथ नहीं दूंगा, शैतान को अपना हाथ नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी ललचाए ऐसी चीजें वो मेरे आगे रखे, वो आपको ललचाना जानता है प्यारो, वो आपको जो भावता है वो जानता है, आप जिस चीज में कमजोर हो वो जानता है, वो ही चीज आपके आगे रखेगा। लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आत्मा आपको बल देगी, उन लालच जिसमें आप बार बार गिरे हो, पाप को जिसमें आप बार बार गिरे हो, उसको ठुकराने के लिए शैतान सोचता रह जाएगा, यही लालच में ये बार बार गिरता था, गिरती थी, लेकिन अब कैसे ये खड़ी है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा, पवित्र आत्मा का बल होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप खड़े रहोगे, पाप में आप बार बार नहीं गिरोगे, उन लालच में आप बार बार नहीं गिरोगे।
कहे प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर आज उतरे, अनुग्रह ऐसा होने दे, बढ़ना है मुझे तेरे और तेरी और बढ़ना है मुझे तेरी और आपकी और खींचते जाओ प्रभु, इतना करीब जितना करीब आज तक हम आ नहीं पाए उतना आपके करीब हम आ पाए प्रभु। और उन हर एक बातों को जो हमारे और आपके बीच हो कूड़ा समझकर हम फेंकते जाए ताकि यीशु को हम प्राप्त करें इस 2023 में। हमारी आराधना धन्यवाद की बेटे और हमारी दुआ हमारी विश्वास की कबूलात प्रभु यीशु के समर्थ नाम से है, आप कबूल करें यीशु मसीह के नाम से। मिलकर कहे आमीन।